तो दोस्तों वापस स्वागत है आपका चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हुसैन बेसानी और करंट अफेयर्स यहाँ पे हमारा जो प्रीलिम्स है उसको 29 दिसंबर 2019 का, तो चलिए डिस्कस कर देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ। तो फर्स्ट चीज़ जो दिया हुआ है चेंजेस टू पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, तो ये पूरा नाम है पॉक्सो का। और ये 2012 में ये एक्ट आया था जो भी चिल्ड्रन है यहाँ पे 12 साल से नीचे का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे अमेंडमेंट में क्या होगा कि देखिए पहले जो पनिशमेंट था वो मतलब सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाया गया था कि मतलब अगर कोई बॉय या फिर कोई आदमी किसी गर्ल के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो फिर जा करके उस आदमी को यहाँ पे पनिशमेंट होने वाला था। लेकिन अब इसको बढ़ा करके हर चिल्ड्रन पे कर दिया गया, मतलब बॉय को भी इसमें ऐड किया गया कि अगर कोई बॉय के साथ भी कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो भी इसमें क्या होगा कि मतलब पनिशमेंट जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये किस कंडीशन में दिया जाता है, तो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होना चाहिए कोई रिलेटिव के द्वारा, तब इसको दिया जाता है। क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया, थोड़ा और मतलब खतरनाक यहाँ पे कर दिया गया पनिशमेंट को। बोला यार 20 साल इन जेल या फिर लाइफ टर्म या फिर डेथ पेनल्टी, ये मिनिमम जेल जो है वो 7 से 10 साल तक का हो सकता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चाइल्ड बिलो 16 का यहाँ पे 20 ईयर्स ऑफ जेल है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई पॉर्न कोई बच्चा को कोई पॉर्न बना रहा है या फिर कोई बच्चा चाइल्ड पॉर्न रख रहा है तो उसको 5 से 3 साल तक का जेल होता है। और जो पॉर्न यहाँ पे स्टोर कर रहा है बच्चा लोग का उसमें यहाँ पे 1000 रुपये का फाइन है। तो ये कुछ यहाँ पे डिटेल्स है। और डू यू नो में देखिएगा कठुआ रेप केस जो हुआ था उसके बाद ये हुआ है कि मतलब बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला है कि कोई भी अगर गैंग रेप होता है एक बच्ची के साथ 12 साल से कम का तो उसका यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेथ पेनल्टी है और 20 साल का जेल हो सकता है। या जब अगर रेप हो 12 साल से नीचे कोई बच्ची है उसके साथ, दोनों बात सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, मुझे बस चेक करना पड़ेगा कि क्या है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में शायद मिस्टेक हो गया। सेकंड चीज़ देखिए यहाँ पे गगनयान जो है उसके बारे में बात किया गया है, इंडियन टू इंटू स्पेस बाय 2022। तो ये देखिए हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किए थे कि एक नया लॉन्च व्हीकल बनाया गया जिसका नाम GSLV Mk3 है। काफ़ी ज़्यादा इस पर डिटेल्स बताया था मैंने कि किस तरह से व्हीकल जो है वो अलग है, ये व्हीकल बाकी जो पुराने व्हीकल जो वेरियंट है इसके Mk2 Mk1 जो है उससे बहुत सारा डिफरेंट है ये। और यहाँ पर ये केपेबल है कि एक 3 मेंबर क्रू को जो अर्थ का लोअर ऑर्बिट है उसमें लॉन्च कर सके, ये तो इतना केपेबल है, ये काफ़ी पावरफुल इसका इंजन है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस प्रोग्राम में 2 अनमैन्ड फ्लाइट मतलब ऐसा फ्लाइट जिसमें इंसान नहीं होगा और 1 मैन्ड फ्लाइट मतलब उसमें इंसान होगा वो जाने वाला है। और जिसमें इंसान होने वाले वो फ्लाइट में 3 एस्ट्रोनॉट होंगे। यहाँ पे ये जो इंसान है वो 7 दिन तक स्पेस में रहेंगे और इसका जो खर्च पड़ेगा वो 10,000 करोड़ तक का पड़ने वाला है। तो अब ये हो गया। इसके बाद देखिए डू यू नो में बताया गया कि इस जो एस्केप सिस्टम है इसका कि अगर कुछ ख़राब हो जाता है कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से भागा कैसे जाएगा, वहाँ से 3 एस्ट्रोनॉट निकलेंगे कैसे, तो उसका जो सिस्टम उसको टेस्ट कर लिया गया था कुछ दिन पहले ही हुआ था वो सिस्टम टेस्ट। और अरेबियन ओशन में जा करके उसका जो कॉकपिट है वो गिरा था, तो इस तरह का जो टोटल चीज़ है वो पहले ही टेस्ट हो चुका है ये बताया जा रहा है। इसके बाद बात किया गया एनिमल इन न्यूज़, तो हंगुल एक एनिमल है तो उसके बारे में बात किया गया। हंगुल देखिए क्या है, एक सब स्पीसीज है यूरोपियन रेड डियर का और ये कश्मीर में पाया जाता है। ये जो कहाँ पे मिलता है तो ये जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है। इसके अलावा ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये इसका जो मेजर जो पॉपुलेशन है वो दचिकम नेशनल पार्क में दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशंस में देखेंगे कि कश्मीरी रेड स्टैग या फिर हंगुल जो है उसको उसके जायंट एंटलर्स मतलब जो सींग होता है ना, देखिएगा वो लोग का सींग को हम लोग एक सींग नहीं बोल सकते क्योंकि वो सींग तो सिर्फ सिंगल एक निकला होता है, एंटलर्स होता है जो बाहर एक पेड़ की तरह निकलता है वो होता है एंटलर्स। तो बड़ा बड़ा एंटलर्स होता है वो 11 से 16 पॉइंट तक उसका रेंज है वो दिया गया यहाँ पे। इसके अलावा बोला जा रहा है कि ये एक लौता ऐसा वायबल पॉपुलेशन है जो कि दिखाई देता है एक ऐसा पॉपुलेशन जो कि नॉर्मली दिख जाता है जो आज बचा हुआ है। और ये बोला जा रहा है कि ये ग्रेटर दचिगम लैंडस्केप जिसका कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बताया गया वहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ की क्या क्या दिखाई देता है वहाँ पे दचिगम नेशनल पार्क है उसके अंदर और कुछ एडजॉइनिंग प्रोटेक्टेड एरियाज उसके अंदर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 1 ऑफ द 3 क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज जो कि जम्मू कश्मीर में है उसमें आता है। दूसरा दोनों जो है वो मारखोर और तिब्बतियन एंटीलोप जिसका कि एक और नाम चीरू है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो कश्मीरी रेड स्टैग या फिर हंगुल जो है उसको यहाँ पे स्टेट एनिमल का किताब मिला था 1980s में और इसको Schedule 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और भी इसके अलावा जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 के अंदर इसको टॉप 15 स्पीसीज ऑफ हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, तो ये जो प्रायोरिटी है इसको मिल चुका है। अब इसके बाद ये जो टॉपिक है स्टेट्स टू गेट
ग्रेटर से ओवर कोस्टल रीजन्स। तो यहाँ पे देखिए बताया ये जा रहा है कि किस तरह से कोस्टल रीजन जो है अब स्टेट उस पर ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके हैं, क्योंकि इस ये जो टॉपिक है आप लोग नॉर्मल कहीं नहीं देखिएगा, बहुत कम ही इस तरह का टॉपिक जो डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये की गई है कि CRZ मतलब सेंट्रल रेगुलेशन जोन, CRZ नोटिफिकेशन 2018 यहाँ पे आ गया है, अप्रूव हो चुका है। और ये CRZ नोटिफिकेशन 2011 आया था, उसमें जो प्रोविजंस दिया हुआ था उसका रिव्यू इसमें दिया गया है। जो 2018 का ये नोटिफिकेशन है CRZ, देखिए CRZ क्या होता है, बेसिकली एक रेगुलेशन जोन जो होता है ना, देखिए किस जगह में किस तरह का रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह का रूल रेगुलेशन अप्लाई करेगी, तो उस चीज़ का यहाँ पे बात किया गया। और यहाँ पे टोटल टोटल कोस्टल रीजन का बात यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ कोस्टल रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ बनाने के लिए कुछ यहाँ पे अलाउंस दिया गया है, कुछ यहाँ पे छूट दिया गया है, जिसके हेल्प से यहाँ पे वहाँ का जो स्टेट है वो वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकेगी। न्यू नोटिफिकेशन के तहत क्या क्या बोला गया, तो आप लोग पहले जान लीजिए कि जो CRZ होता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, सॉरी मैं ऊपर में अब शायद सेंट्रल रेगुलेशन जोन में बोल गया। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो होता है वो होता क्या है, देखिए अगर एक कोस्ट है तो कोस्ट में डेवलपमेंट करना अलाउड नहीं होता है। क्यों अलाउड नहीं होता, आप कोस्ट में अगर आप बिल्डिंग्स बनाइएगा या फिर कोस्ट में क्या है कि आप लोग शॉपिंग मॉल्स बना दीजिएगा, तो कोस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो चढ़ता होता रहता है, तो वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट करना बहुत रिस्की हो सकता है। वहाँ पे जो आसपास में इंसान रहेंगे या फिर वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी यूज़ करेगा उसके लिए रिस्की हो जा सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको यहाँ पे मना कर दिया जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि CRZ1, देखिए यहाँ पे चार जोन में बांटा गया है CRZ को। CRZ1 जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इकोलॉजिकली वहाँ पे हैम्परिंग करने से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक बोला जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसका नुकसान होगा। इसके अलावा CRZ4 जो है, जो कि एक एरिया आता है लो टाइड लाइन, जो कि लो टाइड लाइन एक होता है कि हाई टाइड और लो टाइड आपको पता होगा, ज्वार जो बोलते हैं ना, ज्वार चढ़ता जो ज्वार उतरता है, तो ज्वार चढ़ता जो है तो वहाँ पे जब पानी आता है तो उसको हाई टाइड लाइन कहते हैं, और जब ज्वार उतरता है तो उसको लो टाइड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो एरिया जो कि लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल सीवर्ड की तरफ 12 नॉटिकल माइल्स जो है वहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसमें अगर आप कुछ काम भी करवाने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी स्टेट या फिर कोई भी प्राइवेट एंटिटी इसमें अगर कोई भी काम करवाएगा तो उसके लिए आपको यूनियन मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये सबसे पहला है। सेकंड यहां पे क्या है कि जो CR2 में क्या होता है, CR2 में होता है वो एरिया जो कि डेवलप किया गया है शोर लाइन से पास, डेवलप हो चुका है वो एरिया होता है CR2। और CR3 क्या होता है, जो कि बहुत अनडिस्टर्ब्ड है, वहां पे कोई जाता नहीं है, वो जो है इसको स्टेट लेवल को दे दिया गया कि स्टेट संभालेगा। अगर यहाँ पे कोई भी प्राइवेट एंटिटी कोई काम कराना चाहती है तो स्टेट इसका जो काम है वो देखेगा, CR2 और CR3 का। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, फ्लोर एरिया रेशियो होता है, उसको 1991 में क्या हुआ था, 1991 का डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन DCR लेवल जो होता है वहाँ पे आकर के इसको रोक दिया गया था, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स इसको रोक दिया गया था। मैं आपको समझाता हूँ टोटल क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन क्या है, ये एक ऐसा सेट ऑफ लॉ है जो कि बेसिकली डेवलपमेंट रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि 1991 में जो FSI था, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस का इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक फ्लोर, जब आप एक मान लीजिए कि आपको एक प्लॉट दे दिया गया काम करने के लिए, आप एक बिल्डिंग बनवा रहे हो, आपके पास एक ज़मीन है, आप उस ज़मीन में कितना फ्लोर बनवाओगे, मतलब जो एक्चुअल लिविंग एरिया होगा वो कितना होगा, उसका जो रेशियो होता है उसको FAR फ्लोर एरिया रेशियो या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1991 में जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स है वो इस पे आके रुक गया था, इस पे इसके बाद बात नहीं हुआ था, तो इसको अब थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है। और अब इसका जो भी डिसीजंस है वो उस लॉ के ऊपर होगा जो लॉ अभी प्रचलित है, जो लॉ अभी यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्या पॉइंट बोला गया है कि ये भी बोला गया है इस नया नोटिफिकेशन में कि नो डेवलपमेंट जोन जो है उसमें भी थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन किया गया है। जहाँ पर कोई डेवलपमेंट करने की बात एकदम मना की कर दी गई थी उस पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिलैक्सेशन किया गया है कि अब आप उसमें थोड़ा सा काम जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरिया है, ध्यान रखिएगा डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरिया, तो वहाँ पे देखिएगा आप कि जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर है वहाँ पे क्या है, वो क्या है, वो CRZ3A के अंदर आता है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे जो NDC था, नो डेवलपमेंट जोन, जो मैंने आपको बोला कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करना है, वो 50 मीटर अप कर दिया गया हाई टाइड लाइन से, मतलब जो ज्वार चढ़ता है उस लाइन से 50 मीटर और इधर आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, अब किया गया। पहले कितना था, पहले हाई टाइड लाइन से 200 मीटर ऊपर तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं करना था, मतलब कोई भी घर वर नहीं बनवा सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं है तो वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो की जा सकती है। ये
जो 200 मीटर था वो 2001 का नोटिफिकेशन में आया था, 2018 का नोटिफिकेशन चेंज हो गया। तो जो भी यहाँ पे समुद्र तट में रहते हैं वो लोग को अब पता चल गया हो कि उन लोग के जो और समुद्र की तरफ जो एरिया है वो खाली हो गया, वो बिकने वाला है। तो अगर आप चाहो तो आगे ख़रीद सकते हो। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ और टेम्प्रेरी टूरिज्म फैसिलिटीज़ जैसे कि शैक हो गया, टॉयलेट ब्लॉक्स हो गया, चेंज रूम हो गया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गया, ये सब बीच में बनाने का ऑप्शन आपको दे दिया गया। जो भी एनडीजेड एरिया था, नो डेवलपमेंट जोन, तो वहाँ पे ये सोच के नो डेवलपमेंट जोन बनाया गया था कि वो एरिया में डेवलपमेंट होगा तो वहाँ का जो एक्वाटिक लाइफ है वो सब चीज़ हैम्पर हो गया, लेकिन होगा। लेकिन अब इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है, अब एनडीजेड में बनाने का इसको परमिशन दे दिया गया। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो नया नोटिफिकेशन है वो टूरिज्म बूस्ट करेगा, यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, टूरिस्ट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे उठ के आएगा। तो बस ये सब चीज़ को करने के लिए सब चीज़ किया गया है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए, कोस्टल एरियाज़ में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को भी बनाने का परमिशन दे दिया गया। जो भी बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट्स होता है उसको बनाने का यहाँ पर परमिशन दे दिया गया, CRZ 1B का जो एरिया है उसके अंदर। लेकिन आपको कुछ कुछ यहाँ पे नेसेसरी सेफ गार्ड आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे कुछ डिफेंस और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जो है उसको भी यहाँ पे बोल दिया गया कि अगर ज़रूरी है तो आप लोग इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बोला गया, ये टोटल एक फ़ोटो है द हिंदू से, मेरे ख्याल से द हिंदू का ये फ़ोटो है। तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, अगर जब भी आप गैलरी घुमाइएगा तो हो सकता है आपको ध्यान में आ जाए। वैसे मैं इस चीज़ को पोस्ट कर दूंगा अपने चैनल में तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बात किया गया, इंडिया भूटान टाइज 4,500 करोड़ असिस्टेंस फॉर भूटान। तो भारत जो है वो भूटान को असिस्टेंस देने वाला है पैसा का 4,500 करोड़ के लिए। ये किस वजह से, किसके लिए दिया जा रहा है? 12th 5-year plan, 5 साल का जो प्लान होता है, हम लोग का ये 5-year plan है, वो लोग का ये 5-year plan है। अच्छा आप बताइएगा कि जो 5-year plan जो है वो किस कंट्री से लिया गया? कुछ ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, अमेरिका, रशिया, चाइना, मंगोलिया। अब बताइए किस कंट्री से ये 5-year plan का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया। चलिए ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया। चलिए अब इसके बाद देखिए कि भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर लोशे टेंशरिंग, तो ये भारत में आए हुए थे और ये भारत को बोले कि हम लोग किसी भी तरह से अपना जो टाइज है भारत के साथ उसको हमेशा ठीक रखेंगे, कभी ख़राब नहीं करेंगे। और भारत अपना जिस तरह से काम कर रहा था उसी तरह से काम कर रहा है। जिस तरह से 11th 5-year plan में भारत ने 4,500 करोड़ रुपया दिया था जो कि 2013 से 2015 तक चला, तो उसी तरह से अब फिर से हम लोग यहाँ पे असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करेंगे। इंडिया जो है वो बोल रहा है कि हम लोग भारत को नेक्स्ट 5 साल के लिए अब सपोर्ट करेंगे और इसको इसका काम जल्दी स्टार्ट होगा। और यहाँ पे इसके अलावा साउथ इंडियन सैटेलाइट को जो शेयर करने का बात है, जो कि भारत का एक सैटेलाइट है, तो उसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग शेयर करेंगे भूटान पे, कि इसका ग्राउंड स्टेशन बनाएंगे, यहाँ की टेलीमेडिसिन, डिजास्टर रिलीफ और क्लाइमेट ट्रेंड्स को, मतलब जो स्टडी है वो उसका काम यहाँ पर स्टार्ट होगा। इसके अलावा मंगडेचू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसको जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेन सोर्स है रेवेन्यू का भूटान की तरफ से, मतलब भूटान सबसे ज़्यादा जो कमाता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही कमाता है। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें नेगोशिएशंस होगा और टैरिफ रेट को इसमें सेट किया जाएगा। ये तो हो गया। अब इसके बाद ड्राफ्ट नेशनल कमीशन ऑन इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बिल 2018, तो इसमें ये कहा गया है, पहले तो ये जान लेते हैं कि यूनियन कैबिनेट जो है हमारा उन्होंने क्या किया है। ड्राफ्ट नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल जो है उसको ड्राफ्ट कर दिया है 2018 का। देखिए हम लोग यहाँ पे पासिंग का भी देखेंगे, काफ़ी सॉरी पास हो चुका है, ये ड्राफ्ट है इसको पास कर दिया गया। और अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो NICM है, यही जो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल्स जो है वो क्या करेगा, अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रमोट करेगा पूरे भारत में। अफोर्डेबल मतलब जितना आपको पॉकेट खर्चा कर सके वैसा हेल्थ केयर को यहाँ पे प्रमोट करेगा। डू यू नो में ये बताया गया कि जो ड्राफ्ट बिल है वो बोला जाएगा, वो जो है वो एक नया नेशनल कमीशन फॉर सॉरी वो एक नया नेशनल कमीशन को बनाने का काम करेगा। नेशनल कमीशन क्या करेगा, 4 जो ऑटोनोमस बोर्ड है, कौन कौन से 4 ऑटोनोमस बोर्ड, आयुर्वेदा, उनानी, सिद्धा और सोवारी गपा, तो ये 4 ऑटोनोमस बोर्ड है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इस बोर्ड में एजुकेशन जो होता है उसका काम ये करेगा। देखिएगा किस तरह से यहाँ पे जो एजुकेट है, यहाँ पे जो भी टीचर्स बनेंगे या फिर जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स बनने वाले हैं वो किस तरह से रहेंगे। टीचर का भी जो काम होगा वो भी यही बोर्ड देखेगी, नेशनल कमीशन देखेगी। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी एक एंट्री एग्ज़ाम, जो एक डॉक्टर बनने से पहले या फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले देना पड़ता है, और एक एग्जिट एग्ज़ाम, दोनों को ही यहाँ पर डिज़ाइन करेगी हमारे जो नेशनल कमीशन जो है जो बनेगी वो। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया मेंस प्रीलिम्स हम लोग डिस्कस कर लिए, आगे मेंस डिस्कस करेंगे तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।